तो एक्सेल को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे सबसे ब्लैंक वर्कबुक जो है सबसे पहली वाली, इसको ओपन कर देते हैं। ठीक, तो कल हमने होम मेन्यू को यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा था। अब उसके बाद आता है टॉप टू बॉटम या टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स का मतलब होता है कि टॉपर कौन है और सबसे कम मार्क्स किसके हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, यानी टॉप मीन्स सबसे हाईएस्ट वाली लेवल एंड बॉटम मीन्स सबसे लोवेस्ट वाली लेवल। समझ आ रही है? अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं, दीज आर सेल्स। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं सिंपल से, 12, 32, 25, जो भी आपकी मर्जी है आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आज हमें वैल्यूज थोड़े ज़्यादा लिखने हैं। आगे तो ये मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिख दिए। अब इसके ऊपर हम ऑपरेशन करने वाले हैं, कौन सा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जिसमें हमारे पास आता है टॉप बॉटम। अब सबसे पहले टॉप बॉटम में रूल्स क्या है, सबसे पहले टॉप बॉटम रूल्स में सबसे पहला रूल क्या है, टॉप 10 आइटम्स। यानी इसका मतलब होता है कि जो टॉप 10 आइटम्स है आउट ऑफ दिस कॉलम, यानी जो सबसे जिनका वैल्यू सबसे ज्यादा है टॉप 10 में जो आते हैं उनको क्या करो। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखो यहां पे टॉप 10 आइटम्स, फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन द टॉप, यानी उन सेल्स को फॉर्मेट करो जो टॉप में आ रही है। अब यहां पे आप 10 अभी दिख रहा है ना, यहां पे आप देख लो, उसके बाद आ रहा है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड। ये मैंने कल बोला था कि आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी बोलूंगा ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ आप देखो इसमें चेंज हो रही है। अब देखो आप यहाँ पे मैं वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 5 only 5 या मैं दे रहा हूँ 5। आप देखो कौन कौन से सिलेक्ट हो रहे हैं यहाँ से, 85, 87, 55, 44 and 41। ये वो 5 वैल्यूज है जो इस डेटा के अंदर सबसे बड़े 5 है। समझ आया? हाँ समझ आया शाहीन। अगर मैं दे रहा हूँ 2 तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़े वाले 2 वैल्यूज इसमें कौन से हैं, है ना? कॉमन सी बात है। ये यूज तब होगा जब आपने रिजल्ट प्रिंट कराना होगा। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स 10 है या 100 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स हमें दिखाना है कि इनमें से टॉपर 3 कौन है, टॉपर 3 कौन है। तो एट दैट टाइम वी विल यूज यहां पे कौन सा वाला यूज करेंगे, मैं फिर से दिखा रहा हूं। आप इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाओगे एंड देन टॉप बॉटम रूल्स पे क्लिक करोगे एंड देन टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करोगे एंड देन यहां पे अगर आपको 3 ही निकालने हैं तो आप यहां पे 3 लिखोगे एंड यहां पे आप उनको हाईलाइट कराओगे किसी भी कलर से। जैसे कि कस्टम कलर अगर मैं यूज कर रहा हूं, यहां पे मैं बोल्ड कर देता हूं एंड देन यहां पे ब्लू यूज करूंगा, ये मैंने कल दिखाया था, ठीक है। उसके बाद यहां पे जैसे मैं ओके करूंगा, आप देखो वो 3 हाईलाइट हो रहे हैं किससे, ब्लू कलर से, जो सबसे बड़े है, यानी सबसे 3 बड़े वाले वैल्यूज। आया समझ? है ना इजी। अब इसके बाद अगर आप 4 कर देते हो तो यहां पे 4 हो जाएंगे, 5 कर देते हो तो 5 हो जाएंगे, 6 कर देते हो 6 हो जाएंगे, इसी तरह। अब देखो मैंने 6 किए ना, कितने हुए जरा गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्यों हुए? नहीं मैंने तो बोला ना 5 ही होने चाहिए, 6 ही होने चाहिए। एग्जैक्टली इसका आंसर सही है, क्योंकि 2 हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। एक है उनमें से 35, यानी 35 दो बार आ रहा है, तीन बार 35 आ रहा है, इसीलिए ये 3 बार रिपीट हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह इसको हटा देता हूँ, अभी के लिए इसको हटा दो, यहाँ पे 35 की जगह आप लिख लो 33। तो जैसे मैं 33 लिखूंगा, अब ये 33 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इस 33 को करूँगा, जैसे कि मैं इसको करूँगा, जैसे 33 इसको भी कर देते हैं चेंज 39 में, किस में कर देते हैं 39, ये आएगा, क्यों? ये टॉपर में। अब यहाँ पे जो 35 हमारा बचा, अब देखो कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5 और बात आ रही है समझ। अब अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, 33 का वैल्यू दे रहे हो, या इनमें से यहाँ पे क्या आया अभी 12 है ना, इसको मैं कर देता हूँ 88। जैसे मैं 88 करूंगा, अब मुझे बताओ ये इस लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, टॉपर में आएगा या नहीं आएगा? आएगा, जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां से 39 कट हो गया। बात समझ रहे हो? यानी अगर आप डेटा के अंदर बाद में भी चेंज करते हो तो इसमें ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाती है। तो अब समझो यहाँ पे 6 वैल्यूज आ गए हमारे पास, ठीक है। तो इन 6 वैल्यूज को हम बता सकते हैं कि ये हमारे डेटा के अंदर सबसे बड़े 6 वैल्यूज हैं। आया समझ? तो फिर से इसको सिलेक्ट कर देते हैं एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाते हैं और यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स को, यहाँ पे आप देखो
टॉप 10%, इसका मतलब होता है कि जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। ये परसेंटेज कब यूज़ होगी? जब हमारे पास परसेंटेज में डेटा होगा, समझ आ रही है? तो उस टाइम पे, जैसे अगर हम यहाँ पे टॉप 10% अप्लाई कर देते हैं, तो आप देखो यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक्स इन टॉप, जो टॉप में आती है, सबसे ऊपर जो आती है, यानी टॉप 10% में जो आती है, तो वो कौन सी है? उसके लिए हम यहाँ पे कलर चूज करेंगे कोई सा दूसरा। अब आप मुझे बताओ कौन सा है, क्यों 88 क्यों आ रहा है खाली? मैंने तो 10 वैल्यूज दिए थे ना, ये 88 क्यों आ रहा है? एग्जैक्टली, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट वन, ये सबसे बड़ा है। और दूसरी चीज आप यहाँ पे ये समझोगे कि जब आप परसेंटेज में वैल्यूज दोगे, जैसे कि हम यहाँ पे एक ट्राई कर लेते हैं, इन वैल्यूज को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये आ गए। अब यहाँ पे 32 की जगह में 32% लिखूंगा, या इस कॉलम को एक साथ अगर मुझे परसेंटेज बनानी होगी तो क्या करूँगा यूज? कहाँ है परसेंटेज, कहाँ है? ये किसी हद तक बच गए हो, लेकिन दैट इज़ नॉट द वे। यहाँ पे देखो आप, ये 25 था, ये तो 2500 बन गया। थोड़ा और सोचो, कल मैंने पढ़ाया था ना, यहाँ पे जनरल के अंदर अगर आप यहाँ पे परसेंटेज फिक्स कर देते हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है? ये दो चीज़ें आ रही है, यानी 25 और, तो इसको डिक्रीज कर दो, है ना? लेकिन ये अभी भी कितना आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे फिर? कोई और ऑप्शन है हमारे पास? जनरल में तो ये 25 आएगा, ये कर लेना हाँ, और मुझे बता देना ये कैसे होता है। समझ आ रही है बात? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, कल बताया था ना मैंने। तो यहाँ पे आप कर लो काम, यहाँ पे आप लिख लो इसमें क्या। अब यहाँ पे इस वाले में भी यूज़ करूँगा मैं, दो में ही यूज़ करूँगा, और सबसे पहला बड़ा जो है दैट इज दिस वन। तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे मैं फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक्स इन टॉप 10, तो उसके बाद यहाँ पे टॉप 10 की जगह आप टॉप 4 कर दो, और यहाँ पे इसको कर दो कलर कौन सा, ग्रीन, एंड देन ओके करो। तो अभी कौन हो रहा है? 85. लेकिन 87% सबसे ज़्यादा है या नहीं है? Yes, तो 85 क्यों हो रहा है? इसका मतलब होता है इसकी परसेंटेज निकालनी है। दैट इज देखो, 87% होता है 87 डिवाइड बाई 100 आउट ऑफ 100, तो वो क्या बन जाएगा? वो ऑलमोस्ट यही 0. कुछ बन जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज पे, यहाँ पे अगर हमें इसकी परसेंटेज निकालनी होगी ना 87 की, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ परसेंटेज, क्या दूंगा? ये देखो 87 बना ना, अभी इसको यहाँ पे 00 हटा दो और यहाँ पे क्लिक करो, अब इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे देखो 87.00, ये तो 87 का होता है, लेकिन यहाँ पे हम खाली 87 रखेंगे। क्या रखेंगे? हमने क्या रखा? 87 आया। अब जैसे मैं परसेंटेज पे क्लिक करूँगा ना, अरे क्या हो रहा है इसको, 87 में आप अगर हम 87 की परसेंटेज निकालते हैं तो वो कितना आना चाहिए? 0.87 आना चाहिए, 0.87। यानी आपको करना क्या है मैं बताता हूँ, कैलकुलेटर में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास 87, इसमें डिवाइड होगा 100 से, तो वो आएगा 87% इज 0.87, आया ना 0.0087। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये कितना आएगा? 1000 नहीं, 100, ये क्या आएगा? देखो 87 डिवाइड बाय 87%, क्या आ रहा है? 0.87%, ये तो मैं बोल रहा था ना 0.87%। तो अब ये आप कैसे निकाल सकते हो? 87 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.87। आप 0.00, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको फिर से 100 से, 100 कितना आया? आया ना वापस 87। तो 0.87, यानी अगर हम 87 की परसेंटेज निकालते तो दैट इज इक्वल टू 0.87। तो इसीलिए 0.87 बड़ा है या 85 बड़ा है? आप देखो यहाँ पे मैंने 87 100% बनाया, तो अब किस में आ रहा है कलर? हाईलाइट यही हो रहा है ना, अब 85 हो रहा है? नहीं हो रहा है, समझ आ रही है बात? तो यही फर्क है इन दोनों में, ठीक है? आया समझ? अब नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज बॉटम 10 आइटम, यानी इनमें से बॉटम में यानी सबसे छोटे 10 कौन से है वो हमें दिखा दो। जैसे मैंने बॉटम 10 किए ना, तो यहाँ पे सारे हो गए। अब यहाँ पे करते हैं 6, क्या करते हैं? बॉटम में जो 6 है उनको हाईलाइट कर दो,
तो कौन कौन से हो रहे हैं, 32, 85। अब इसका कलर चेंज कर दो, पहले यहाँ पे हम करेंगे कौन सा, कस्टम फॉर्मेट में ही करेंगे, यानी यहाँ पे बोल्ड एंड देन कलर येलो कर देंगे एंड देन ओके। कौन कौन सा हाईलाइट हुआ, 32, 25, 35, 39, 41, आया समझ। यहाँ पे इसका मैं बैकग्राउंड कलर ले आता हूँ ब्लू, ये ब्लैक। तो ये क्यों नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हुई है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो दैट्स वाई ये नीचे से हो रहा है, समझ आए बात। हाँ, अब यहाँ पे कौन कौन से हुए, ये 3, ये 1, 4 और ये 2, तो 6 मैंने बोला था ना, यानी बॉटम से नीचे से काम। हालांकि बड़े कौन से, 44, 55, 87, 85 एंड 88, समझ आ रही है। तो अगर आपको दिखाना है ना कि फेल कौन कौन हुआ है, यानी आपके स्टूडेंट में कितनी सिलेक्शन हुई, जिस तरह कॉलेज ने आपकी सिलेक्शन लिस्ट निकाली थी ना, तो सिलेक्शन लिस्ट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स पहले 100 में आते हैं उनको होगा एडमिशन किस में, इंग्लिश में वगैरह जो भी है, ठीक है। तो उसमें कैसे निकालते हैं, इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, बॉटम आया समय, बॉटम 10, इसमें आप बढ़, उसके बाद आता है बॉटम 10%, ये इसका अपोजिट है, ठीक है, यानी बॉटम 10%, जिस तरह हमने इसमें परसेंटेज में निकाला था, यहाँ पे भी इस तरह निकाल सकते हो। जैसे कि बॉटम 10% जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे कौन आता है, 25, यानी सबसे छोटा कौन है हमारा, 25, तो यहाँ पे 10 की जगह 25 क्यों आ रहा है, बिकॉज दिस इज द लाइवेस्ट वन। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो दिस इज द लाइवेस्ट वन इन परसेंटेज, ये परसेंटेज के हिसाब से भी कम है और इस तरह भी कम है, समझ आ रही है बात। नेक्स्ट दैट इज एबो एवरेज। एबो एवरेज का मतलब होता है, एवरेज किसको बोलते हैं, मैंने एवरेज निकालना सिखाया था ना, किसके बराबर होती है एवरेज, एवरेज जो निकलती है दैट इज सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब इससे होता क्या है, एवरेज से होता क्या है, एग्जैक्टली इससे बीच वाला वैल्यू निकलता है। अगर हमारे पास 100 या 1000 नंबर्स है, उनमें से अगर हमें देखना है कि इसका औसत नंबर कौन है, यानी हाफ कौन है, जैसे कि 100 का एवरेज क्या है, 50. है ना, यानी इसकी 50 है, यानी एक से लेकर 100 तक जो भी डिजिट्स है उनकी एवरेज है 50, यानी 50 नीचे जाएंगे तो बराबर 1 पे पहुंच जाएंगे, 50 के आगे जाएंगे तो बराबर 100 पे पहुंच जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे एवरेज जब हम निकालते हैं तो एवरेज का मतलब होता है इन चीज़ों का दरमियानी वैल्यू, किन चीज़ों का, यानी जो भी हमारा डेटा है इसका दरमियानी वैल्यू। सबसे पहले हम इसकी एवरेज निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताई थी शायद, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आ जाओगे एंड देन यहाँ पे एवरेज सिलेक्ट करोगे। जैसे आप एवरेज सिलेक्ट करोगे देन एंटर करोगे, तो यहाँ पे इसकी है 51.2727, इसकी एवरेज है ये, समझ आ रही है बात। तो ये है इसकी एवरेज। अब हम बोलेंगे इसको कि हमें एवरेज वैल्यू जो भी है, जो इनमें से एवरेज वैल्यू है, उसको आप हाईलाइट कर दो। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, वो यहाँ पे आएंगे। अच्छा, ये मुझे यह बताओ, अभी हमारा एवरेज वैल्यू क्या है, अब मुझे यहाँ पे ये और एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हमारे पास कोई 51 वाला ऑप्शन है, नहीं है। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे निकालेगा इसकी एवरेज, एबो एवरेज। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है एबो एवरेज, यानी एवरेज से ज़्यादा, एवरेज से ज़्यादा, एवरेज कितनी है 51, तो अब जो एवरेज से ज़्यादा होंगे वो सारे क्या होंगे, हाईलाइट होंगे। अब यहाँ पे इसको करता हूँ मैं, सॉरी कस्टम कलर कर देते हैं, यहाँ पे इनका कलर कर देते हैं हम, कौन सा वाला, यहाँ पे तो कलर भी ख़त्म हो गए, ये वाला पिंक कर देते हैं। कौन कौन सा कलर पिंक ये हुआ, मुझे यहाँ पे ये बता दो, एवरेज वैल्यू क्या था, 51। अब आप यहाँ पे देख लो, वही वाले हाईलाइट हुए ना जो 51 से आगे हैं, तो यही तो हमारा क्वेश्चन था ना, कंडीशन यही थी कि उन सबको हाईलाइट कर दो जिनका वैल्यू है एवरेज वैल्यू से ज़्यादा। एवरेज वैल्यू हमारा था 51, तो 51 के ज़्यादा जो भी है, अभी अगर आप यहाँ पे देख लो ये कितना है 41, अगर मैं इसको कर दूँ ना बराबर 52 या 52 कर दे, 52 ये भी हाईलाइट हो जाएगा। हुआ क्यों नहीं हुआ, नहीं इसमें तो ये वाला आना चाहिए ना, ये कितना, वो 52.77 है। अब तो एवरेज बढ़ेगी ना, क्योंकि हमने वैल्यू बढ़ाया ना, तो एवरेज भी बढ़ेगी ना। आप रुको, जैसे मैं 58 करूँगा ना, जैसे मैं एंटर करूँगा ना, अभी क्या है 52.2727 है ना एवरेज वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये बढ़ जाएगा 52.8181, लेकिन ये हाईलाइट हुआ अब ऊपर वाला, हुआ ना।
समझ आ रही है बात? तो यही तो बता रहा था ना, यानी जो भी एवरेज वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ है उन सबको आप क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। ये कहाँ से होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। और कौन सा वाला? एबो एवरेज। उसके बाद आता है बिलो एवरेज। बिलो एवरेज का मतलब होता है कि जो इससे कम है, ऑब्वियस ही बात है। तो उन सारी सेल्स को फॉर्मेट करो। क्या फॉर्मेट करो? जो भी हम कलर करेंगे, अब यहाँ पे कलर भी ख़त्म होने वाले हैं, तो यहाँ पे कौन सा लेंगे? ये वाला ले देते हैं, इसको सिलेक्ट कर देते हैं एंड देन ओके। और यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं एंड देन ओके। यानी कलर फॉर्मेट आ गया, ठीक है, कस्टम फॉर्मेट। यहाँ पे देखो आप कौन कौन सा हाईलाइट हुआ है इस कलर से जो हमने किया, कोई हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे आ जाओ बिलो एवरेज में एंड देन यहाँ पे कस्टम कलर और यहाँ पे बोल्ड एंड देन कलर सिलेक्ट करो, कौन सा? ये वाला, दूसरा वाला एंड देन ओके। हुआ? ये सारे हो गए ना, 32, 25, 35, 39, 44 एंड 33। क्यों हुए? क्योंकि ये बिलो द एवरेज है। बस आया समझ? तो ये आप किस लिए यूज़ करोगे? एग्ज़ाम रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए ये भी यूज़ होगा, क्योंकि जब आपके पास स्टूडेंट्स का रिजल्ट होगा तो जिनकी एवरेज होगी मोर देन 35 उनको आप पास कर दोगे, जिनकी एवरेज होगी 35 बिलो तो उनको आप फेल कर दो। समझ आ रही है बात? उसके बाद आता है डेटा बार्स। डेटा बार्स ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे आपको मज़ा भी आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको डेटा बार अच्छे से दिखे। ये अच्छी चीज़ है। हाँ, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, डेटा बार्स पे क्लिक करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा ना, आप देखो क्या आ रहा है, यानी इससे आपको पता चलेगा कि किस में कितना वैल्यू है। ये 85 है तो ये इसके करीब है, ये 87 है, इससे ज़्यादा आगे है, और ये क्या है? 5, ये सबसे पीछे। ये ईजी है ना। बाकी आप कलर सिलेक्ट कर लेना कहाँ से, इसी कारण से डेटा बार्स में आपको जो कलर पसंद है वो आप कर लेना, ठीक है। बस हो गया, ये आ गया ये टॉप बॉटम एंड डाटा बार भी आ गया, ठीक। इसमें आप मोर रूल्स भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे इनका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ये आप लैब में कर लेना, ठीक है। यही सेम यही है, इससे क्या होता है, यही कलर वालर चेंज हो जाता है। समझ आ रही है बात? बाकी ये कुछ नहीं है, यानी जैसे आप यहाँ पे कलर करोगे ये वाला सिलेक्ट, जैसे आप इसका पिंक ही करना था, चलो ग्रीन कर देते हैं, सॉलिड कलर। अब यहाँ पे सॉलिड की जगह आप टेक्सचर रख दो या ग्रेडियंट रखो, ठीक है। तो बॉर्डर का कलर आप यहाँ से कोई भी रख लो, सॉलिड बॉर्डर, और उसका कलर जो है आप रख दो रेड, ठीक है। अब जैसे आप ओके करोगे ना, आप देखो आ गया ना वही वाला जो मैंने ग्रीन कलर रखा और बॉर्डर रेड रखा। दिख रहा है ना, रेड बॉर्डर और अंदर से ब्लू, और मैंने ग्रेडियंट भी यूज़ किया है जिस तरह मैंने वो वाला किया था। आया समझ? नेक्स्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड आइकन। अब अगर आपको इसी डेटा को, हाँ, कलर स्केल्स, कलर स्केल्स का मतलब होता है, ये भी इसी तरह एक चीज़ होती है, यानी ये कलर दिखाता है डायरेक्टली, कलर स्केल्स, यानी जिसकी ओर ज़्यादा होगा वो ग्रीन में आ जाएगा, और जिसकी ओर जब ज़्यादा की, यानी 0 to 100 जब वैल्यू ज़्यादा होगा करीब किसके, 100 के, तो उसका ग्रीन कलर आ जाएगा, यानी ये अच्छा है। जब 0 के करीब होगा तो रेड कलर आएगा, क्योंकि डेंजर है। समझ आ रहे हैं? यानी कम हो रहा है इसमें। आया समझ? बाकी येलो आता है इन बिटवीन में, यानी इन बिटवीन का मतलब होता है यानी दरमियान में, जो 50, 60, 70, 80 होगा उसमें ये येलो आएगा। और डिम येलो उसमें आता है जो 0 के करीब होगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा करीब नहीं। समझ आ रही? तो कलर्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। आप देख लो यहाँ पे, अगर मैं ये वाला सेट कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे 5 वैल्यू है, यानी रेड ज़्यादा है और ब्लू ग्रीन कम है। इसमें 32 है तो ग्रीन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन तब भी रेड ही रेड। देखो आप यहाँ से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें ये नज़दीक आ रहा है ना। अब अगर मैं यहाँ पे 50-50 कर देता हूँ, देखो आप, इसको मैंने 50 कर दिया, अब देखो ये आधा आ रहा है, और ये देखो आप कितना डिम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये नज़दीक हो रहा है ना अब 100 के, यानी 100 के नज़दीक हो रहा। अब अगर मैं यहाँ से 88 कर देता हूँ, वो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो आप, ये वाइट बन रहा है, फिर जितना 100 के करीब हो रहा है, यानी वाइट बन रहा है। पहले क्या था? रेड। समझ आ रही है? इनको आप सीरीज़ में करना, यानी पहले वाले का क्या रखा है, 5, इसका रख दो 10, इसका रख दो 20, क्या रखोगे, इसका रख दो 30, इसका 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है,
अब देखो ये बराबर 10-10 की डिस्टेंस है। पहले आप यहाँ पे कलर देखो क्या है, पूरा रेड, टमेटो कलर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब नीचे देखो आप यहाँ पे क्या है, 100 में क्या देखो, पूरा ग्रीन, पूरा ग्रीन, ये वाला है सॉरी, पूरा ग्रीन, ठीक है। अब 90 में क्या है, थोड़ा सा यहाँ से वाइटिश एंड पूरा ग्रीन, यहाँ से तो ज़्यादा ग्रीन। तो इसी तरह आप ऊपर जाओगे तो ये उल्टा मिलेगा आपको, समझ आ रही है बात, सीढ़ी बन गई ना। अब इस पर चढ़ना, नेक्स्ट ये था कलर बार्स। इसमें भी आप मोर कलर बार्स डिफाइन कर सकते हो अपनी तरह से, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू होगा, लोअर केस में आप क्या करना चाहते हो और हाईएस्ट लोअर वैल्यू क्या होना चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए। लोअर वैल्यू का अगर आप देखो हमारे पास अभी कौन सा कलर आ रहा है, ग्रीन, तो लोअर वैल्यू को मैं देता हूँ ब्लू, ठीक। और हाईएस्ट वैल्यू जो होगा उसको मैं दे रहा हूँ रेड, हाईएस्ट वैल्यू को ही दे देते हैं रेड। कहाँ गया, यहाँ पे इसको देते, नहीं रेड नहीं, रेड तो ऑलरेडी इसमें है, तो येलो दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ओके करूँगा, मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, ये क्यों नहीं बोल रहे हो आप, इसमें कर देते हैं लोअर वैल्यू में ब्लू एंड इसमें कर देते हैं येलो, यही बोला था ना मैं अभी, ओके कर लो, आ गया ब्लू आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन आ रहा है वही वाला, लेकिन आप यहाँ पे देखो अब लोअर वैल्यू में क्या आ रहा है, येलो, यानी ये ऊपर से नीचे। अब अगर आप उसी में फिर से जाओगे और यहाँ पे कलर्स पे क्लिक, मोर कलर रूल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो लोअर वैल्यू एक है, फॉर्मेट कलर किस में आ रहा है, टू कलर स्केल, तो अगर आप थ्री कलर भी करना चाहते हो तो थ्री कलर भी आ जाएगी, समझ आ रहे। फिर इसमें आप कर दो कौन सी वाली, ग्रीन की जगह आप क्या कर रहे हो, अब पिंक, आप देखो आप कितने आ गए, तीन। और ये तीन तरह से कलर फॉर्मेटिंग कर रहा है, किस में, एक तो इस साइड में यानी सेल को भी, और दूसरा इस साइड में, तीसरा नंबर्स को भी। वो आपको लग रहा है हाँ, यहाँ पे आप देखो ये क्या है, डिम ग्रीन, आगे क्या है, लाइट ग्रीन 100 पे, यहाँ पे आप देखो डिम ग्रीन यहाँ तक है ऑलमोस्ट 50 तक, और उसके बाद क्या है, लाइट ग्रीन एंड देन येलो, समझ आ रही है। तो कम वैल्यू में येलो आ रहा है और ज़्यादा वैल्यू में ग्रीन आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कलर बार्स वो होते हैं जो हमारा कलर डिफाइन करते हैं अपनी सेल्स का, जिस तरह आपका वैल्यू होगा सिमिलरली आपके सेल्स उसी के अकॉर्डिंग आ जाएंगी, समझ आई बात। जैसे कि आपने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया, पहले आप इसको सेल को सिलेक्ट कर दो एंड देन इसमें आ जाओ और यहाँ पे कलर स्केल्स पे क्लिक करो। देखो जैसे ही मैं जो भी सिलेक्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे कलर, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो थ्री कलर है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5, तो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से ज़्यादा आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे देखो आप ग्रीन ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे कम आ रहा है लाइट ग्रीन। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो जितना ज़्यादा ये नज़दीक हो रहा है 100 के उतना कलर भी चेंज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब देखो नेक्स्ट वाला, दैट इज कॉल्ड एरोज। एरोज देखो पहला वाला है डायरेक्शनल, क्या है, तो जो वैल्यू सबसे कम है यानी 50-40 से कम है उनका एरो किस तरह आ रहा है, डाउनवर्ड्स। जो 40 से ज़्यादा है टिल 60 तक तो उनका फॉरवर्ड एरो, जो 70 से लेकर 100 तक है उनको ऊपर, यानी ये चार बड़े हैं, ये तीन दरमियान में है और ये चार डाउन में, यानी कम है, समझ आ रही है बात। नेक्स्ट, अब इसी तरह आप इनमें से आइकन्स को चेंज भी कर सकते हो। ये देख लो आप, ये वाला यूज़ कर सकते हो, ये वाला है। अभी देखो जैसे मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ ना, आप देखो 3 नीचे 5 दरमियान में, यानी पहले 3 डाउन वर्ड्स फिर 2 ऊपर की तरफ, ठीक, एंड देन लास्ट 3 सीधे ऊपर की तरफ यानी टॉप, समझ आ रही है। देन आइकन में आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो, ये वाले भी, तो ये आप एक एक करके यूज़ कर लेना। तो आपको ये देखो नेटवर्क, इसमें देखो आप कितनी सिग्नल है, 5% है, ठीक है। अब देखो 10, 20, 30 जितना हम आगे जाते हैं उतने सिग्नल आ जाती है कि नहीं आ जाती है, समझ आ रहे। तो न्यू रूल्स अगर आप बनाना चाहते हो, जैसे कि अभी हमने ग्रेटर देन लेस देन वगैरह इन बिटवीन एवरेज वगैरह देखा, अब इसके अलावा अगर आप कोई अपना रूल बनाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हम अपना करेंगे डिफाइन, देखो वो इस तरह है। जैसे कि नंबर कौन सा, यानी अभी तक था लोवेस्ट नंबर, अब परसेंट फार्मूला, परसेंट ये परसेंटाइल, तो इसका मतलब है कि जिसमें अगर हम यहाँ पे परसेंट करते हैं ना, परसेंट जिसमें परसेंट होगा उसका वैल्यू अगर कितना होगा, 50, ठीक है, तो उसको कलर कर दो आप पिंक, नहीं पिंक तो हमने ऑलरेडी किया, ये कर दो, ठीक है,
जैसे मैं ओके कर रहा हूँ, आप देखो पिंक किसका हुआ, 60, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ ना। और दूसरा चीज़ आप यहाँ पे देखो, मैंने बोला इसको कंडीशन में क्या, अभी तक ये हो रहा था ऐसे, तो ये किससे हुआ, न्यू रूल से। मैंने न्यू रूल क्या डिफाइन किया यहाँ पे, मैंने क्या बोला कि जो जो हमारा क्या है, परसेंट है, परसेंट में आप कर दो जो हमारा क्या, मैंने यहाँ पे क्या दिया था 50, यानी जो 50 से नीचे हैं उन सबको क्या कर दो आप यहाँ पे कलर कर दो। ये मेरा रूल था ना, वो बात आ रही है समझ। जैसे कि अगर मुझे दिखाना है ना कि जो 10 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू आएगा, फिर हाईएस्ट यहाँ पे आप जीरो रहने दो, और यहाँ पे क्या आएगा, हाईएस्ट वैल्यू, जो हाईएस्ट नंबर है, जो नंबर 90 है, उसको आप क्या कर दो यहाँ से कलर कर दो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ उसको कि उसका कलर कैसे आना चाहिए, मोर कलर में जाते हैं, यहाँ पे आप कौन से लेते हैं, ये तो ऑलरेडी है, चलो पूरा ग्रीन लेते हैं। आप देखो यहाँ पे कौन सा वैल्यू चेंज हुआ, कहाँ पे 87। तो यहाँ पे मैं तो इनको कर रहा था, ये मैंने सिलेक्ट की थी, और रुको रुको रुको, 20 को हुआ, देखो देखो ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ ना। अब यहाँ पे रूल का किसके बेस पे था, फॉर्मेट सेल बेस्ड। अब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू की जगह हम क्या देंगे, परसेंट, परसेंट में देंगे जिसमें होगा, चलो 100 दे या 90 दे दो, 90, तो उसका फॉर्मेट कैसे आना चाहिए, ये वाला रखा था मैंने, नहीं चलो पिंक कर देते हैं पिंक। अब बताओ किस में चेंज हुई, यहाँ से 90 से 60 तक, यहाँ पे 90 को हुआ, यानी उस 90% पर, समझ आ रही है बात, न्यू रूल। उसके बाद क्लियर रूल्स का मतलब होता है क्लियर, सारे रूल्स को ख़त्म कर दूँ एक ही सेकंड के अंदर, सारी मेहनत, हाँ समझ आ रही है। तो क्लियर रूल्स में आपने सीखा कि हम किस तरह रूल्स को क्लियर करते हैं। इसमें सिर्फ रूल्स क्लियर नहीं हुए, इसमें बॉर्डर भी क्लियर हुआ, समझ आ रही है। तो अब हम यहाँ से इसको मंगाएंगे, कहाँ गया बॉर्डर, कहाँ है, अब आया बॉर्डर वापस, ठीक है। तो ये आ गया क्लियर रूल्स, एंड लास्ट जो है दैट इज मैनेज रूल्स, यानी जो भी रूल्स आपके हैं अगर उनके साथ आप चेंज करना चाहते हो या नए रूल्स भी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि करंट सेक्शन को या वर्कशीट को करना है, करंट सेक्शन मीन्स यानी जो आपने सिलेक्शन की हुई होगी, ये करंट सिलेक्शन ही है, सेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, यानी जब जो आपने सिलेक्शन किया। दूसरा होता है होल वर्कबुक, यानी होल वर्कबुक का मतलब होता है कि पूरी किसको, पूरी वर्कबुक को, यानी जहाँ से लेकर यानी ये जितनी है उस सबको ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो, मैं तो करंट सिलेक्शन ही रखूँगा क्योंकि मुझे एज पर सिलेक्शन ही करना है। उसके बाद आप यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे रूल डिफाइन करोगे जिस तरह मैंने अभी बताया, ठीक है, जो भी आपकी मर्जी है, इनको एक एक करके बताना। एंड देन यहाँ पे अप्लाइज टू, जब आप रूल डिफाइन करोगे फिर यहाँ पे आएगा अप्लाइज टू, यानी किस पे अप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्शन आएगा आपका ऑप्शन, देन यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, तो अप्लाई करने के बाद ही वो वहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रही बात,